बहन जी, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती। हाँ, नहीं जा सकती मतलब? आप अपने वस्त्र देखिए पहले, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे इन कपड़ों में? मंदिर के भीतर पूरे वस्त्र में और सर पे चुन्नी लेके प्रवेश किया जाता है। आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? आपको समझ नहीं आता क्या, आप ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आप कौन होते हैं ये सब रूल बताने वाले मुझे? आप हमारे मंदिर का यही रूल है, आप जाइए। मंदिर का पंडित बोलता है ऐसे कपड़ों में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। क्या करती वो होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे मंदिर के अंदर क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? मेरी जो मर्जी है वो पहनना उसे क्या? तो मैं काम करो, अभी उसी वक्त मेरे साथ चलो उस पंडित का सबक सीखो। अच्छा पहले तुम मुझे एक बात, जब हम क्लब जाते हैं तो वहाँ भी तो हमें बोलते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहन के आओ, तो हम पहन के जाते हैं, हम मना तो नहीं करते। और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में चप्पल में एंट्री नहीं है, मुझे पहन के आओ, यही जाने के जाते हैं। अगर पंडित जी ने ये बात बोल दी कि मंदिर में इंडियन कपड़े पहन के आओ तो पहन के चले जाओगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्लब में तो तुम ये नहीं बोलते कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, तो क्या पहन लेती हूँ वो कहते हैं। जिस जगह पर जा रहे होते हैं वैसे ही कपड़े तो पहन के आओ, जैसा देश होता है वैसे ही तो ड्रेस पहनना पड़ता है। हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडियन कपड़े तो पहने नहीं। तो पंडित जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो भी बोला ना एकदम सही। जो मंदिर जाओ तो भारतीय कपड़े पहनो।